हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सहबाज। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आप अगर सऊदी में आ रहे हैं तो सऊदी में किस टाइप का कार्ड बनता है और कितने कार्ड बनता है और कौन कौन सा कार्ड होता है। और कुछ ऐसा कार्ड होता है जो आप अगर नहीं बना हुआ, अगर आप काम पे ले जा रहा है या आप कहीं घूम रहे हैं निकल के बाहर, तो पुलिस पकड़ लेता है। तो सब कार्ड के बारे में आज बताऊँगा आपको, दिखाऊँगा कौन कौन कार्ड होता है और कौन कार्ड ना बने तो आप बाहर ना निकले, बाहर ना जाए ज़्यादा, और कौन कार्ड ना बने तो उसके कर रहे थे लीगल और अनलीगल में। जी, कौन सा कार्ड आपके पास नहीं रहेगा तो कंपनी अनलीगल काम कराएगा, उसको अनलीगल बोलते हैं, और कौन सा कार्ड रहेगा तो वो उस पर आप काम कर रहे हैं तो लीगल है। तो पुलिस वो भी चेक करता है यहाँ का बलदिया वाला, और बलदिया वाला जब चेक करेगा आपके पास ये कार्ड नहीं रहेगा तो अनलीगल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन कार्ड होता है। पहले तो बता दूँ, यहाँ पे कार्ड का नेम बता दूँ, अकामा होता है, फिर आपको बलदिया कार्ड होता है, इंश्योरेंस कार्ड होता है जो मेडिकल कार्ड होता है, और एक बैंक का एटीएम होता है जो सैलरी कार्ड होता है। तो आपको पहले, सबसे पहले तो अगर आप आ रहे हैं नए सऊदी में, तो सऊदी में आते ही आप कंपनी को ज़्यादा लेट कर रहा है तो फोर्स करे उसे कि आप मेरा अकामा बना के दे कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ निकल सकता हूँ, नहीं तो पुलिस पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है तो फिर छोड़ देती है, लेकिन टाइम लगता है, 8-10 घंटा टाइम लगता है उसको छोड़ने में। उसके बाद आपको रात भर ले जाके 2-3 दिन भी रख लेगा, कहीं पुलिस भी पकड़ के कोई ऑब्जेक्शन लगा के वहाँ भी ये कर लेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में मैं बता दूँ, ये अकामा कार्ड है, ये अकामा है, आप देख लें, ये मेरा अकामा है, और ये बलदिया कार्ड है। अकामा था वो जिसपे हम कहीं भी घूम सकते हैं, निकल सकते हैं। ये बलदिया कार्ड है, बलदिया होता है कि इस बलदिया पे हम काम कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा मैं गाड़ी में हूँ अभी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है कि वीडियो बनाने में हिल जा रहा है, मोबाइल गिर जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। ये बलदिया कार्ड है, इस पे आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे यही मेन कार्ड होता है जिस पे आप काम कराने या कंपनी ले जाएगा तो इसका कार्ड पे आप काम कर सकते हैं। अगर ये कार्ड नहीं है, अगर आपको लेके जा रहा है कंपनी, तो अनलीगल काम कराएगी, उसमें बलदिया वाला आएगा, फिर आपको फ़ाइन मार देगा, और फ़ाइन मारेगा तो वो कितना मारेगा वही जान रहा है, ये नहीं है कि इतना मारेगा उतना मारेगा, कंपनी को भी मार सकता है, आपको भी मार सकता है। आपको मैं बता दूँ, ये इंश्योरेंस कार्ड है, ये इंश्योरेंस कार्ड है, इस पे आपका मेडिकल भी होता और आपको यहाँ कुछ होता है तो यही इंश्योरेंस कार्ड है, इससे जो भी भरपाई होती है इससे होता है। और तीसरा मैं आपको बता दूँ, ये बस कार्ड है मेरे पास, मैं इसको खुद बनवाया था, ये 10 रियाल में बनाया था, इसने 5 रियाल दिया था मेरे को। ये रियाद में रहता हूँ तो रियाद में रेड वाली बस में मैं कहीं घूमूंगा तो 3 रियाल मेरे को लगेगा, वो 1 किलोमीटर जाऊँ या 5 किलोमीटर जाऊँ 3 रियाल कट जाएगा इससे, और इसमें फिर अगर पैसा नहीं होता मैं इसमें रिचार्ज कर सकता हूँ। लास्ट में मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मेरे पास एक जो सैलरी कार्ड होता है वो है, जिसे एटीएम कार्ड बोलते हैं, ये है सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक का है, ये इसमें मेरी सैलरी आता है। तो दोस्तों, आपको मैं ये सब कार्ड दिखाया, बता दिया, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले अकामा कार्ड होता है, कहीं भी घूमने जा रहे हैं कुछ भी जा रहे हैं तो 15-20 दिन के अंदर में दे देता है, और बलदिया कार्ड होता है वो भी उतना दिन में दे देता है। ये सब कार्ड अगर आपके पास रहे तो आप काम पे जाए या कहीं निकले, अगर निकल रहे इस तरह बिना अकामा के तो पुलिस पकड़ लेगा, फिर आपको 10 घंटे 2-3 दिन 10 दिन भी रख सकता है, उसके ऊपर है यहाँ के सुरता वालों ने। तो आप ये सब कार्ड के बारे में जान लें। और दूसरी बात है कि मैं अभी ड्यूटी जा रहा हूँ, गाड़ी में था, टाइम नहीं मिलता वैसे वीडियो बनाने के, फिर भी कोशिश करके मैंने वीडियो बनाया। और अभी सऊदी में मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा मौसम है, तकरीबन 4 बज रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे 6:30 हो रहे होंगे इंडिया में। ये इतने कार्ड हैं, आप देख लो मेरे पास, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।